कृषि मीडिया एंड टेक किसानों के सपनों को दे एक नई उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित चिमा। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कृषि मीडिया एंड टेक। आज दोस्तों हम ग्राम लालपुर के अंदर आए हुए हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के अंदर ही पड़ता है। आज हम किसान भाई के पास आए हुए हैं जो कि हाल ही में ट्रैक्टर इन्होंने खरीदा है, मैसी फर्गूसन 241 जो कि 44 HP के अंदर कंपनी ने हाल ही में इस ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। तो इसकी आज की इस वीडियो में जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में भी, साथ में किसान भाई से परिचय लेंगे कि उन्होंने ये ट्रैक्टर कब खरीदा, कैसे इस ट्रैक्टर को खरीदने का विचार बना और अब तक जिस जिस इंप्लीमेंट पर चलाया कैसा इसका परफॉर्मेंस मिला, सारी चीज़ें वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले आपका जो है परिचय करवा देते हैं किसान भाई के साथ। तो जो सामने से आपको दर्शक भाई देख रहे हैं, सबसे पहले तो एक बार उन्हें अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रभात, गांव लालपुर, जिला हापुड़ से हूँ मैं। तो प्रभात जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आपका जो मैसी आपने ये खरीदा है हाल ही में, ये कब खरीदा और इसे लेने का विचार कैसे बना? ये अभी अभी मैंने जुलाई में खरीदा है, लगभग 14 डेट को। और ख़रीदने के लिए हमारे पास 10-35 था पहले छोटा जी, तो छोटा पड़ रहा था इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए, तो इसलिए मुझे लेना पड़ा 41। जैसे कि कंपनी को ज़्यादा टाइम इस मॉडल को लॉन्च हुए हुआ नहीं, तो आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली कि ये 44 HP के अंदर ट्रैक्टर आया है? ये यूट्यूब से ही मुझे जानकारी हुई इसकी जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इस मॉडल में लॉन्च हो गया, क्योंकि आगे का लुक मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसका देखने में बहुत अच्छा लगता है। जी जी, साथ में जैसे कि कंपनी ने HP भी बढ़ा दी तो काम भी अच्छा करेगा उसको। जी, रूटर चलाने में बहुत आसानी हो रही है, बहुत बेनिफिट मिल रहा है उसका, 2 HP का भी, ऐसी बात नहीं है। तेल का खर्चा भी बिल्कुल उतना ही है जितना पहले वाले 41 का। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जैसे कि पहले भी 41 आपने चलाया तो उसकी तुलना में और इसमें क्या कुछ आपको अंतर लगा? नहीं, उसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस तो इसके सामने कम है ही, किसी भी चीज़ को HP का फ़र्क है। मैंने चीजर चलाया इस पर, मैंने रूटर चलाया इस पर, मैंने टिलर चलाया इस पर, लेकिन बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है इसका, बहुत बढ़िया लगता है और बिल्कुल स्मूथ चलता है। सबसे बड़ा आसानी इसकी पावर स्टेयरिंग की लगी है मुझे, इससे पहले ये तो ये बोल लो कि मैंने आज तक चलाया नहीं पावर स्टेयरिंग, ऐसे बोल लो, लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल लगा इसको चलाने के बाद। अब आपको सिंपल वाला समझ नहीं आता? सिंपल वाला बिल्कुल समझ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं चलाया जाता है वो। और एक सवाल और है मेरा आपसे, जैसे कि आपने ये ट्रैक्टर खरीदा तो जैसे आप बता रहे हैं रोटावेटर पर आपने चलाया, तो वहाँ पर माइलेज का देखने को मिला इसका, जैसे कि घंटे के हिसाब से बात करें या फिर बीघे के हिसाब से हम बात करें? घंटे के हिसाब से आप मान लो कि 5.5 से 6 लीटर, इससे कम तो बिल्कुल नहीं खाया होगा रूटर पर जी, और टिलर पर 0.5 लीटर बीघे की जुताई होती है, वो तो बिल्कुल लेना ही लेना है इसमें, इससे ज़्यादा नहीं खाया। जैसे कि एक चीज़ होती है, कहीं पर खेत गीला भी होता है, कहीं पर सूखा भी होता है, तो कुछ ट्रैक्टर के अंदर दिक्कत ये भी आ जाती है कि वो दम तोड़ने लगते हैं, तो वो शिकायत तो नहीं आती कि इसके अंदर? नहीं, दम इसने कहीं नहीं तोड़ा है, बिल्कुल अपने जोड़ लगाता रहता है, हम ही थोड़ा लिफ्ट ऊपर करके कर लेते हैं क्योंकि फिर ये स्लिप लगाने लगता है। जी, वो स्थिति नहीं बनती, जैसे कि 150 RPM तो हर ट्रैक्टर तोड़ देता है, वो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वो घुटने वाली शिकायत नहीं आती घुट का ट्रैक्टर चलता है? बिल्कुल नहीं, खुल के चलेगा, पूरे जोर लगाएगा, फुल सपोर्ट करेगा, ये पीछे वाले टायर पूरा जोर लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। रोटावेटर की बात करें तो रोटावेटर कितने फिट का आप चला रहे हैं और कौन सा रोटावेटर चलाते हैं इसके पीछे? 7 फिट रोटावेटर है मेरे पास और शक्तिमान का है। शक्तिमान का जी, शक्तिमान तो जैसे कि अपने आप में एक ब्रांड है। जी, और इसकी अगर हम कीमत की बात कर लें तो आपने ये किस कीमत के अंदर खरीदा है? ये मैंने खरीदा है 6.45 में, 6.45, 6,45,000 खरीदा, ऑन रोड खरीदा। जी, और जैसे कि कंपनी तो अपने ट्रैक्टर के फीचर ही बताती है, कमियां नहीं बताती, अगर आपको कुछ पर्सनली इसके अंदर कुछ ऐसा लगा हो कि ये चीज़ कंपनी इसको सुधार सकती थी या चेंज कर सकती थी, तो वो भी आप किसान भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कंपनी से, तो कि जो इनका 4x4 241 है जी, उसका ये लुक ले आए, लुक की वजह से शायद जितना मैं सोचता हूँ वो लुक की वजह से इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो रहा है, सिर्फ उसकी लुक बदलें, वो 100% उन्हें रेस्पॉन्स देगा, अच्छी मार्केट देगा जी, बाकी और कोई कमी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो दोस्तों जैसा कि हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए थे, और थोड़ा सा मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, इसके अगर फीचर्स के बारे में आपको जानकारी हो, क्या कुछ फीचर है इसके अंदर, वो भी आप किसान भाइयों को बता सकते हैं। फीचर तो इस बार इसके ये एक तो पावर स्टीयरिंग कर दिया है जी, ये वाला मॉडल अभी 2021 में लॉन्च हुआ है जी तुरंत, और सबसे प्यारी लुक ही है इसकी, अब तक तो ऐसी 41 में लुक आई नहीं थी जी। तो दोस्तों जैसा कि किसान भाई ने आपको जानकारी दी ट्रैक्टर के बारे में, प्राइस भी आपको बताया कि इस प्राइस के अंदर ख़रीदा था, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ मेन इसके अंदर चेंजेस क्या किए गए हैं। एक तो इसके अंदर दोस्तों डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग कंपनी ने दे दिया है, फ्रंट एक्सल को भी थोड़ा सा हैवी ड्यूटी कर दिया है, और नॉन एडजस्टेबल सीधा फ्रंट एक्सल है, पहले घुमावदार आता था अब सीधा कर दिया है उसको भी। और इसके अंदर एक चीज़ हुई है जो इसका यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके आप दिखाएंगे, ये जो इसका एक्सल है दोस्तों ये यहाँ से निकल कर आता था, तो जो अगर रेडिएटर में कोई दिक्कत हो या फिर फैन बेल्ट में कोई दिक्कत हो पूरा सिस्टम वहाँ पर खोलना पड़ता था, लेकिन ये चीज़ इसके अंदर चेंज कर दी है, बिल्कुल फ्रंट एक्सल नीचे कर दिया, सेपरेट कर दिया, जिससे कि पूरा सारा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके अगर अंदर अगर कोई मेंटेनेंस होता है केवल यही पार्ट खुलेगा, तो ये भी एक इसके अंदर चेंज किया है। अगला चेंज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर जो गेयर हैं, पहले 4 गेयर मिलते थे, अब कंपनी ने इसके अंदर 5 गेयर दे दिए हैं, यानी कि स्पीड कम से कम स्पीड भी मिल जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड भी मिल जाएगी, तो वो एक चेंज यहाँ पर किया गया है। दूसरी चीज़ इसके अंदर है दोस्तों, इसके अंदर ब्रेक्स की, तो ब्रेक्स में भी इसके अंदर चेंज किया गया है, इसके अंदर अब ऑयल इमर्ज्ड डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं, ब्रेक की भी काफ़ी शिकायत आती थी, पहले इसके अंदर ड्राई टाइप के ब्रेक मिलते थे, तो वो भी कंपनी ने इसके अंदर दूर की है। और PTO इसके अंदर, PTO भी 7 तरह की इसके अंदर PTO आपको मिल जाती है, गियर वाली PTO चला सकते हैं, रिवर्स PTO चला सकते हैं, मल्टी स्पीड PTO चला सकते हैं, तो ये सारे फीचर्स के साथ में ये ट्रैक्टर है। बाकी अगर इस ट्रैक्टर का आप डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो इसकी अपलोडेड है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये थी दोस्तों कंप्लीट वीडियो, एक कस्टमर रिव्यू वीडियो, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी तरीके की शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।